सोलन में भी मकर संक्रांति का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर सोलन शहर में जगह जगह खिचड़ी बांटी गई। लोगों ने सर्द मौसम में गर्म खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण किया और मकर संक्रांति का त्योहार मिलजुल कर बिना किसी भेदभाव के मनाया। इस मौके पर पंजाबी महासभा द्वारा गंज बाजार में खिचड़ी का प्रसाद का वितरण भी किया गया। मकर संक्रांति के त्योहार पर खिचड़ी का प्रसाद वितरित करते हुए पंजाबी महासभा के पदाधिकारियों ने कहा कि वे प्रत्येक वर्ष लोहड़ी के अगले दिन खिचड़ी का प्रसाद वितरित करते आ रहे हैं और सभी धर्मों के लोग बिना किसी भेदभाव के इस त्योहार को धूमधाम के साथ मनाते हैं और सभी खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। उन्होंने बताया कि इस खिचड़ी का दान महादान होता है और इसलिए सभी लोग सुबह नहा धोकर खिचड़ी का दान करते हैं। इस दिन सूर्य भी अपना स्थान बदल लेते हैं। यही कारण है कि हिंदुओं के लिए ये त्यौहार और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। और मकर संक्रांति के पर्व अवसर पर खिचड़ी का यहाँ आवंटन किया जा रहा है, बना रहे हैं और यहाँ काफी लोग उत्साहित होकर खिचड़ी का आनंद ले रहे हैं। मकर संक्रांति के दिन सभी लोग चावल और माँ की दाल को रखकर उसमें कुछ सिक्का डालकर दान करते हैं और बाद में इसको इसका खिचड़ी बनाकर लोगों को खिलाते हैं। इसका हमारे शास्त्रों में बहुत महत्व है और इसको करने से आपको पुण्य मिलता है। सूर्य हर महीने अपना राशि परिवर्तन करता है। आज मकर राशि के अंदर आने के बाद मकर संक्रांति के नाम जाना जाता है और आज खिचड़ी का जो महत्व है, खिचड़ी स्वस्थ का प्रतीक मानी जाती है कि उड़द को हमारे उसमें त्योहारों में शुभ माना जाता है और स्वस्थ के इस खिचड़ी को स्वस्थ के रूप में आज बांटा जाता है। आज के दिन सूर्य उत्तरायण में होता है, उत्तरायण में हुआ है और आज जो है पितामह ने भी आज का दिन चुना था अपनी इच्छा मौत के लिए।